अमेरिका के शहर शहर से बवंडर से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। बवंडर ने जमकर यहां कहर बरपाया है। अमेरिका में 10 सेकंड के लिए आए भीषण बवंडर ने जमकर तबाही मचाई। कई जगहों से तबाही की तस्वीरें सामने आई जिनमें बवंडर से मची बर्बादी के निशान साफ दिख रहे हैं। बवंडर ने शहर का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ताश के पत्तों की तरह इमारतें ढह गई, कई घर गिरकर मलबे में तब्दील हो गए, पेड़ उखड़ गए और गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। पूरा शहर ही मलबे से बदला दिख रहा है। 60,000 से ज्यादा घरों की बिजली गई। प्रकृति के प्रकोप में कई लोगों की जान जाने की भी खबर है। अमोहा नेब्रास्का में रहने वाले लोग मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं और भारी ओलावृष्टि की वजह से मुसीबत में फंस गए। क्लाइमेट चेंज की घटना अल नीनो का असर दुनिया के कई देशों में देखा जा रहा है और इसकी वजह से कई देशों में सूखा, बारिश और बाढ़ ने परेशानी बढ़ा दी है। अल नीनो की वजह से दुनिया के कई इलाकों में सूखा, भारी बारिश, बाढ़ और चक्रवात आ रहे हैं। अफगानिस्तान में सर्दियों के बाद हुई भारी बारिश के कारण इस साल मार्च में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई। इस बाढ़ में कई गांव बह गए और कई कीचड़ में दब गए, जिसका खामियाजा यहां रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोग भुखमरी और बीमारियों से परेशान हैं। अल नीनो की वजह से केन्या, सोमालिया, बुरंडी और तंजानिया में करीब 8.5 लाख लोग प्रभावित हैं। फसलें तबाह हो गई, जानवर मर गए हैं और लोग अपना घर छोड़कर विस्थापन की जिंदगी जीने को मजबूर हैं।